विश्व पर्यावरण दिवसको छेक पारेर अल इण्डिया वुमेन्स कन्फरेन्सद्वारा विभिन्न स्थानमा बिरुवारोपण कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ। केटिभी समाचारका सरप्राइजर ओसीएस कालिम्पोङ, वन स्टेप सोल्युसन फर स्टडी अब्रोड, मोटर स्ट्यान्ड कालिम्पोङ, हिमालयन शपिङ, 10th माइल मस्क हाउस कालिम्पोङ, नर्थ बेङ्गलको आफ्नो इलेक्ट्रोनिक रिटेल चेन, डिपिएमआई सिलिगुडी, इन्डियाज लिडिङ प्यारामेडिकल इन्स्टिट्युट, क्यापिटल युनिभर्सिटी जोरथाङ साउथ सिक्किम। Admission open for the session 2024-25. कालेबुङ जिल्ला पुलिस मुख्यालयमा जिल्ला पुलिसको सक्रियता र सहयोगमा रुखको बिरुवा लगाइएको थियो। यसैबीच जिल्ला पुलिस अधीक्षक श्री हरि पाण्डेको कुशल नेतृत्वमा क्षेत्रको पर्यावरण संरक्षण गर्नु यो विशेष पहल रहेको जनाइएको छ। उक्त अवसरमा उनले पर्यावरण संरक्षणसँगै यसको जागरूकता फैलाउनु पनि जरुरी रहेको बताएका छन्। यसका साथै उनले विगत केही वर्षदेखि पहाडको पनि पर्यावरण प्रतिकूल हुँदै गइरहेको बताउँदै यसलाई जागरूकताको माध्यमले संरक्षण गर्नुपर्ने बताएका छन्। यसरी नै क्लुनी महाविद्यालय अनि समथर अवेक एन्ड साइन स्कुलमा पनि विद्यार्थीहरूद्वारा बिरुवारोपण कार्यक्रमलाई सञ्चालन गरिएको छ। पर्यावरण संरक्षणको दिशामा ठोस पहल जारी राख्न अति आवश्यक रहेको पर्यावरणविदहरूको मनसाय रहेको छ। जो यूएन से रिकॉग्नाइज किया गया है उसको याद करने के लिए, ताकि उस दिन लोग सजग हो एनवायरमेंटल इश्यूज को लेकर, तो उसी के तहत एक वृक्षारोपण कार्यक्रम रखा गया था। तो पता लगा कि आप लोग भी आज यहाँ आज करने वाले हैं, तो मैंने बोला कि ठीक है हम लोग ज्वाइंटली कर लेंगे। हमारा भी एक प्रोग्राम था आज करने का, लगा कि जब इसको आप आ ही रहे हैं तो हम लोग ज्वाइंटली कर लेते हैं, तो एक साथ ही हो जाएगा, ज्वाइंट इनिशिएटिव होगा, तो बेटर सोसाइटी को बेटर मैसेज जाएगा। पुलिस भी है और आप लोग भी है साथ में, तो हमें सबसे यही बोलेंगे कि पेड़ लगाना ही सफिशिएंट नहीं है। पेड़ लगाने के अलावा जितने भी बाकी इश्यूज हैं, वाटर बॉडीज से लेके हो सकता है, आपका एनवायरमेंटल पॉल्यूशन को लेके हो सकता है, जितने भी इश्यूज हैं आपका एनवायरमेंट रिलेटेड, सभी पे हमको ध्यान रखने की जरूरत है। क्योंकि आप लोग देख रहे हैं कि पिछले एक दशक में या पिछले कई दशकों में यहाँ का भी देखिए आपका मौसम काफी चेंज हुआ है, पोंग और आसपास के पहाड़ी इलाकों में। हमको सजग रहते हुए क्या क्या चीज करना चाहिए नहीं करना चाहिए उसमें अवेयरनेस और बढ़ाने की जरूरत है, पढ़ने की जरूरत है और हर वर्ग में जानने की जरूरत है। तो सबको यही बोलेंगे कि आप पर्यावरण दिवस में इन चीजों में एटलीस्ट ज्यादा लिटरेचर पढ़ेंगे तो पता लगेगा साल भर करना क्या है। तो पर्यावरण दिवस इसलिए होता है थोड़ा पढ़ ले, ताकि अगले एक साल तक क्या डूज एंड डोंट्स हमारे क्लियर हो जाए, हमको क्या करना चाहिए हमको क्या नहीं करना चाहिए। तो आप सबको यही बोलूंगा आगे आइए और पर्यावरण को आगे बचाने के लिए हम सब मिलकर काम करें। थैंक यू।